हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही एक यूनिक इंटीरियर वर्क के साथ में रहने वाली है और एक यूनिक एलिवेशन डिज़ाइन के साथ में रहने वाली है। तो एक बार आप इसका एलिवेशन देख लीजिए, बाहर से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका रहेगा, ऐसा वर्क आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एक यूनिक डिज़ाइन आपको मिल जाता है इसके एलिवेशन पे, साथ ही में इसमें प्योर वुडन का वर्क भी आपको देखने को मिलेगा। बात करें हम इस विला की तो 100 गज में बना हुआ है ये विला दोस्तों, 15x60 के डायमेंशन में। बहुत ही ब्यूटीफुली इसका स्पेस मैनेजमेंट किया गया है, इंटीरियर वर्क इसमें एकदम यूनिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहती है हमारे विला की एंट्रेंस दोस्तों। बाहर आप देख सकते हैं एक प्यारा सा आपको गार्डन एरिया मिल जाता है और अंदर भी आपको एक गार्डन एरिया मिल जाएगा। ये इसकी एंट्रेंस हो जाएगी। आयरन हैवी डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। ये इसका बम एरिया हो जाएगा और विला के बिल्कुल सामने आपको मिल जाती है 30 फीट वाइड रोड। आसपास का सराउंडिंग आप देख सकते हैं काफ़ी रेजिडेंशियल रहने वाला है, काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ रह रही है। और दोस्तों, ये जो विला है यहाँ पे टोटल 7 विलाज बने हुए हैं जिसमें से 4 सोल्ड आउट हो चुके हैं और 3 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसी में से एक अभी हम देखने जा रहे हैं, JDA अप्रूव्ड रहने वाला है दोस्तों ये प्रोजेक्ट, साथ ही में नॉर्थ फेसिंग रहेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो ये आ जाएगा स्पेशियस पोर्च एरिया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, इजीली 4-व्हीलर आपकी यहाँ पर पार्क हो जाएगी। अगर इसके डायमेंशन की हम बात करेंगे तो 14x15 के डायमेंशन में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ग्रीन एरिया मिल जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन एरिया मिल जाता है, प्लांटेशन यहाँ पर किया है आप देख रहे हैं, वाटर टैंक की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सामने रहेगी हमारे विला की एंट्रेंस। तो दोस्तों, 2 स्टेप्स के बाद ही एंट्रेंस आ जाएगी, जिसपे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुडन वर्क किया है, सीलिंग पे भी वुडन वर्क आप देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन किया है। साथ ही में ये रहेगी हमारी एंट्रेंस, वुडन हैवी डोर हमारा यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर एंटर करते ही आपको स्टेयर्स का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर हमने एक आयरन का पार्टीशन किया है, पोर्टेबल पार्टीशन, जिसमें टफन ग्लास का भी यूज़ किया है आप देख सकते हैं। इसका पर्पस ये रखा गया है कि अगर आप फ्यूचर में ऊपर का जो पोर्शन है रेंट आउट भी करते हैं तो यहाँ पर आप एक पार्टीशन कर सकते हैं। इसके लिए सीधी एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो दोस्तों, ये हो जाती है हमारे विला की मेन एंट्रेंस। आप देख रहे हैं वुडन हैवी डोर यहाँ पर रहेगा, प्रीमियम हैंडल्स के साथ में, प्रीमियम लॉक्स के साथ में। और यहाँ से एंटर करेंगे हम तो एंटर करते ही आपको मिल जाएगा स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। 14x16 के डायमेंशन में रहेगा आपका स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आप देख रहे हैं काफ़ी वाइड स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा प्रॉपर लिविंग स्पेस, जहाँ पर आप देख रहे हैं 5-7 सीटर सोफ़ा प्लेस किया गया है। और इसके साइड वॉल पर आप देखेंगे यहाँ पर बीच बीच में वॉलपेपर का वर्क दिया है और पेंट यहाँ पे किया है, दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क रहेगा। बीच में रहेगी सेंटर टेबल। फॉल सीलिंग की तरफ एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे डिसेंट फॉल सीलिंग आपको डिज़ाइन मिल जाएगी कंसील लैम्प के साथ में। यहाँ पर आ जाता है हमारा डाइनिंग स्पेस, आप देख रहे हैं 4 सीटर आपकी डाइनिंग टेबल हो जाती है, मार्बल की रहने वाली है। फ्लोरिंग आप देखेंगे टाइल वर्क, यहाँ पे ग्लॉसी लुक की टाइल्स का यूज़ किया है। आप देखेंगे लिविंग एरिया में बिल्कुल आपके सोफा के सामने रहेगा LED पैनल, वुडन LED पैनल रहेगा, प्योर वुडन वर्क इसमें किया गया है फुल सीलिंग तक। यहाँ पर आपको शेल्फ मिल जाते हैं जहाँ पर कुछ भी आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं और नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों, हमारी जो स्टेयर्स रहेगी इसके नीचे आपको मिल जाता है एक स्टोरेज, यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। वुडन वर्क इसमें किया है, वुडन डोर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे वुडन वर्क किया है जिसमें कुछ शेल्फ आपको दे दिए गए हैं, आप कुछ भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रख सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, यहाँ मिल जाती है आपको आपकी मॉड्यूलर किचन, जिसे आप देख सकते हैं इसको हमने एक ओपन लुक देने की कोशिश की है, ओपन किचन ये आपका रहेगा, इसको कवर्ड हमने नहीं बनाया है, वुडन पार्टीशन इस तरीके से यूज़ किया है इसको एक यूनिक लुक देने के लिए। तो इसके डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो 7x15 के डायमेंशन में रहेगी हमारी मॉड्यूलर किचन, आप देख सकते हैं एल शेप में हो जाता है आपका काउंटर टॉप। विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है वायर मैश डोर के साथ में, स्लाइडिंग रहेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन आपके किचन में आता रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोरेज की तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरेज आपको मिल जाता है, नीचे भी आपको ड्रॉअर यहाँ पर मिल जाएंगे,
यहाँ पर आ जाता है आपको वेटेरिया, सिंक हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों ये हो जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये विला लोकेटेड है वैशाली एक्सटेंशन गांधीपत वेस्ट में, महाराणा प्रताप रोड पर ये लोकेटेड है। यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही आपको मिल जाएगी महाराणा प्रताप रोड। मेन गांधीपत पुलिया से 800 मीटर के डिस्टेंस पर रहेगा। साथ ही में जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड यहाँ से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने वाला है। तो दोस्तों हर लिविंग स्पेस की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो है इसका पाउडर रूम। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका पाउडर रूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है पाउडर रूम दोस्तों 5x6 के डायमेंशन में रहेगा आपका। कॉमन वॉशरूम आप देख रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग इसकी रहने वाली है। साथ ही में टाइल वर्क आप देख सकते हैं वॉल्स पे। ये हो जाता है आपका वॉश बेसन एरिया। फिटिंग्स की बात करेंगे तो जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स की गई है। ये हो जाती है आपकी सीट। वाइड आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा जिसमें वुडन वर्क आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि रहेगा 10x15 के डायमेंशन में। बेड के पीछे आप देखेंगे यहाँ पर कुशन वर्क किया है। एक प्लेन वॉल आपको दी गई है काम लुक देने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वुडन वर्क रहेगा। ये एक ड्रेसिंग एरिया आपको दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर कुछ शेल्फ आपको मिल जाते हैं। साइड वॉल पर आप देखेंगे ब्यूटीफुल वॉलपेपर वर्क दिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिजाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के पर्पज से एक गैलरी। स्लाइडिंग डोर के साथ में रहेगी दोस्तों। यहाँ पर आप वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में बना रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अटैच वॉशरूम। 5x9 के डायमेंशन में रहेगा दोस्तों हमारा वॉशरूम। बहुत ही अच्छा डिसेंट साइज में आपको मिल जाता है। साथ ही में आप वॉल्स पर देखेंगे टाइल वर्क यहाँ पे किया है। फ्लोरिंग आपको टाइल वर्क यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका वेट एरिया हो जाएगा। जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ पे की है। ये हो जाता है वॉश बेसन एरिया। और यहाँ भी आप देखेंगे लुकिंग मिरर आपको दिया है वुडन वर्क के साथ में। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर सोर्स आपको मिल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अटैच वॉशरूम दोस्तों। यहाँ पर आ जाता है आपका LED स्पेस और यहाँ पर कुछ शेल्फ आपको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आ जाएंगे हमारी वार्डरोब्स। 2 वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी वाइड रहने वाली है। ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर ड्रॉअर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको इस विला के प्राइस के बारे में भी बता देती हूँ। इसका प्राइस रहने वाला है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं फुल फर्निश्ड विला लेना जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इसकी प्राइस रहेगी 80 लाख। और अगर आप चाहते हैं सेमी फर्निश्ड लेना तो 75 लाख की प्राइस में आपको ये विला मिल जाएगा सेमी फर्निश्ड। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से हमें स्टेयर्स का एक्सेस मिल जाता है जिसमें स्टेनलेस स्टील की रेलिंग और टफन ग्लास का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। कई वीडियोस में हमने आपको दिखाया है कि फर्स्ट फ्लोर के लिविंग स्पेस में आप किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आप इस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। 11x12 के डायमेंशन में रहेगा आपका लिविंग स्पेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5-सीटर सोफा प्लेस किया गया है। साथ ही में बीच में आ जाती है सेंटर टेबल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है। साथ ही में बैक वॉल पर आप देखेंगे वॉलपेपर वर्क किया है ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों एक फैंसी लाइट वर्क आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर रोशनी आ रही है आपके लिविंग स्पेस में। तो वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहेगा और जो सनलाइट है वो भी प्रॉपर आती रहेगी। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 2 बेडरूम्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारे सेकंड बेडरूम की एंट्रेंस। आप देख रहे हैं वुडन इसकी चौखट रहने वाली है। साथ ही में फुल सीलिंग तक आप देखेंगे वॉलपेपर वर्क किया है फ्लावरी डिज़ाइन के साथ में। तो अभी हम चलते हैं रूम के अंदर। तो दोस्तों 14x11 के डायमेंशन में रहेगा ये बेडरूम। हमारा मास्टर बेडरूम कहलाएगा। और आप देख रहे हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको मिल रहा है। बेड के पीछे आप देखेंगे दोस्तों कुशन वर्क यहाँ पर किया है। साथ ही में दोनों साइड में आप देखेंगे वुडन फ्रेम वर्क आपको दिया गया है। बीच में वॉलपेपर का वर्क दिया है। दोनों साइड में आपको मिल जाती है टेबल। इसी के साथ में वेंटिलेशन के पर्पज से हम देखेंगे, आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है आपके रूम में। यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा, सनलाइट आती रहेगी। नॉर्थ फेसिंग ये विला है, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। साथ ही में दोस्तों JDA अप्रूव्ड ये रहने वाला है।
बेड के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर LED स्पेस आपको मिल जाता है। फुल वुडन वर्क आप देख रहे हैं यहाँ पर किया गया है। शेल्फ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे काफी अच्छा स्टोरेज आपको मिल जाता है। दोनों साइड में आपको मिल जाती हैं वार्डरोब्स ब्यूटीफुल स्पेस के साथ में, साथ ही में ऊपर भी काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको। इसी के साथ में इस रूम में भी आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों 7x7 के डायमेंशन में रहेगा हमारा ये वॉशरूम, आप देख रहे हैं बहुत ही डिसेंट लुक और एक यूनिक लुक के साथ में से बनाया गया है। टाइल वर्क आप देखिए एक अलग ही डिजाइन में रहेगा। यहाँ पर आ जाता है वॉश बेसन एरिया, ये रहेगा आपका लुकिंग मिरर वुडन वर्क के साथ में। यहाँ पर हो जाती है आपकी सीट, साथ ही में वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे सोर्स दिया गया है। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम। अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम जो कि रहेगा 14x11 के डायमेंशन में। बेड के पीछे आप देखेंगे कुशन वर्क यहाँ पे किया है और एक प्लेन वॉल आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि एक काम लुक दे देती है। साइड में आपको मिल जाती है एक टेबल और यहाँ पर आपको एक बहुत ही वाइड गैलरी मिल जाएगी दोस्तों, स्लाइडिंग डोर के साथ में रहेगी, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। साथ ही में आप देखेंगे दोस्तों इसे एक बालकनी का लुक भी दिया गया है, प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा यहाँ से, और आप चाहें तो अपने क्लोथ्स भी यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका LED पैनल, फुल सीलिंग तक रहेगा। नीचे आपको शेल्फ मिल जाते हैं और एक ड्रॉअर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों 5x9 के डायमेंशन में रहेगा हमारा वॉशरूम, आप देख रहे हैं इसको भी आप देख सकते हैं, एक यूनिक लुक दिया गया है। टाइल वर्क आप देखिए फ्लोरिंग तक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे टाइल्स का यूज किया है। ये हो जाती है आपकी सीट, यहाँ पर आ जाता है आपका वेट एरिया, जैक्वार की ब्रांडेड फिटिंग्स हैं। यहाँ पर हो जाएगा वॉश बेसन एरिया, लुकिंग मिरर आ जाएगा, साथ ही में आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर सोर्स मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं हमारे वार्डरोब्स, दो वार्डरोब्स आपको मिल जाएंगे और ऊपर भी आप देखेंगे काफी अच्छा आपको स्टोरेज मिल जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो काफी पसंद आया होगा, आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों जयपुर में हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं ऐसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।